फिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों का साथ क्यों नहीं दे रही? क्योंकि शायरों को तो बहाने चाहिए होते हैं दूसरों के घर जाने के। अरे भाई इस तरह उन्हें शेर सुनाने का मौका मिल जाता। वो जो क्या है रोनियों के नाम माइन किंजा पिंजा कौन कौन है उनको जाके समझाओ सीन। लुबना बेटी, लुबना। जी बाबा, खैरियत? खैरियत नहीं है बेटी, तुम्हारी फूफो की हालत बहुत खराब हो गई है, हमें अभी लाहौर निकलना है। मेरे खुदा। देखो बेटा, वक्त बहुत कम है, जल्दी से पैकिंग कर लो। तुम्हें तो पता है कि हमारी ट्रेनें भी बहुत लेट पहुंचती हैं। बाबा मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मेरा सुबह शूट है, मैं नहीं आ सकती बाबा। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी फुफ्फो बीमार है, उसकी हालत नाजिक है और तुम कह रही हो कि मैं नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ लाहौर जाना है। बाबा पहले से जानते हैं यहाँ काम मिलना पहले ही कितना मुश्किल है। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ, पूरा तो नहीं मानेंगे आप। बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं पहले बहुत परेशान। मेरी एक दोस्त है, खैबाने बदर पे रहती है, अगर आप कहें तो मैं उसके घर रुक जाऊँ कुछ दिन जब तक आप वापस आए। कभी नहीं, मैं हर किस तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपनी किसी दोस्त की तरफ रुको। बाबा वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे जितनी भी अच्छी क्यों ना, आजकल हालात इतने खराब हैं, अपने साहिब पे एतबार नहीं है, और ना मैं तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ सकता हूँ और ना ही किसी दोस्त की तरफ, तुम्हें मेरे साथ लाहौर चलना होगा। बाबा मैंने एग्रीमेंट साइन किया, वैसा आर्टिस्ट की डेट ली हुई उन्होंने, मैं नहीं गई तो शूट कैसे होगा? देखो बेटा मैं पैकिंग करने लगा, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना है, समझ गए? जाहिद, ओ जाहिद, अबे जाहिद! जी 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 सर, जी सर। अबे तू ये क्या चॉकलेट का रैपर पहने घूम रहा है भाई, फांसी फैला रहा है? और वो कहाँ है फ्रूट, नाश्ते का सीन करना है? वो सर वो मैंने भट्टी को बोल तो दिया था। भट्टी कहाँ है? भट्टी, भट्टी, ए भट्टी! हाँ ना, आ रहा हूँ, हाँ एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी जी सर। अबे फ्रूट कहाँ है? वो मंगवा ली है ना, वो तो लाओ ना मेरे के सर सर के ऊपर, ये मैं करूंगा तो फिर सीन होगा यार। सर आगे आगे प्लीज, बिना वजह की बातें यार। एक सर ये प्रॉप्स के प्रॉप्स है, तुम नहीं जानते कि मैं किस दूरंदेशी का मुजाहरा कर रहा हूँ, ये चीजें लाजमी होती है प्रोडक्शन वैल्यू के लिए। देख भाई इस तरह के सीन निकाला करो चंदा, ठीक है ना? ये बिरयानी ये निहारी, अरे पेट खराब हो गया भाई, है वो भी सड़ी सड़ी चीजें, मंगाया करो नहीं फ्रूट मंगाया करो। मुझे मना करती हूँ मैं क्या करूँ यार? चल भाई मना करती हूँ, तू डंडी मारा कर। मैं डंडा मारूंगा अपना। हाँ देख यार सीन देख यार। क्या हो रहा है? इतनी फजूल खर्ची, वो भी मेरी फजूल। नकवी साहब बताएंगे, पूछे इनसे। मंगाया तो तुमने, मतलब तुमसे खुद पूछा तो मंगाया था ना, आपके कहने पर मंगवाया ना, मैंने अपनी खुशी थोड़ी मंगवाया, ये धमकियां दे रहे थे मैं सीन नहीं करूंगा, फेंक दिया स्क्रिप्ट। अब अगर तू बात खोल ही रहा है, मैं कहना नहीं चाह रहा था प्यारे, लेकिन अब तूने मुझे इतना बेख्तियार कर दिया कि अब मैं मैडम सुने में, इसलिए कि मुझे तुझ पे शक था बेटा, मुझे शक ये था कि तू मेरी मैडम को जहर देना चाह रहा है किसी तरह से। अब खुल गई ये बात तो सुन लो तुम, ठीक है ना? मैंने इसलिए पहले खाया कि अगर तड़प के मरूं मैं तो मैं मरूंगा। और दूसरी बात ये मैडम, मैं आपको एक बात बताऊंगा, देखिए आप हैं प्रोड्यूसर, ये मुझे आप बताएंगे कि मैं प्रोड्यूसर हूं? नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, ये मैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये चाह रहा था कि जब प्रोड्यूसर और आप एक्टर भी हैं तो जब आपका सीन हो रहा है तो फिर प्रोडक्शन वैल्यू यहां नजर आनी चाहिए, ठीक है ना? चले ठीक है ये रख दे, ओए उठा ओ जाई, ये उठाओ पापे और चाय लेकर आओ। ठीक है अगर मेरे सीन के लिए आए तो इट्स ओके, इट्स गुड। मैं समझ रही थी किसी और सीन के लिए आया, किसी और की कुछ और पोजीशन है, प्रॉप्स की इतने महंगी चीजें। कितना भूली हैं आप, देखिए पोजीशन तो पता है क्या, पोजीशन तो यही है कि इन दिनों आप प्रोड्यूसर हैं तो वो जाहिर बात है उसी लिहाज से करना पड़ता, तो सीन शुरू करें फिर, है ना? देखिए नियाजी साहब, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो क्या हम सीन कर लें? नकवी साहब गेम खत्म कर लूं ये मैं अपनी? अब कोई बात नहीं, बैठा हुआ मैं खेल देख लूंगा आपका। नहीं आप बताइए सिचुएशन क्या है, मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है ना, मेरा दिल डूब गया था मेरा। देखिए सिचुएशन ये है हसन नियाजी साहब कि
हाँ, क्या रोमांटिक सिचुएशन है। आप आएंगे नाश्ते की टेबल पर, ये हसीना आपका इंतजार कर रही है, है? तो आपको जो डायलॉग है मोहब्बत भरे वो आपको बोलने, और मैडम आपको तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो प्रोड्यूसर है ना। इस लिहाज से तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ वहाँ देख लीजिए प्लीज। बाथरूम बेटा, एक तो ये उतार दे, तुझे सांस सही नहीं आ रहा है ना, और दूसरे फिर है ना टेक करेंगे, जाओ सीन की तैयारी करो। शाबाश। आप बहुत गहरी बातें करती हैं किताबों की तरह। मैं किताबी दुनिया में खोई हुई रहती हूँ ना, इसलिए, वरना तो लोग बोर हो जाते हैं इन किताबी बातों से। मुझे अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सलीम, ये सामान एडवांस। हेलो। हेलो लुबना, कहाँ हो तुम? देखो नकवी साहब मुझ पर नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी लड़कियों को निकाल दो जो सेट पर टाइम पे ना आए। सर मैं तो लोकेशन पर ही हूँ, आप कहाँ पर हैं? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही हूँ। तुम हो कहाँ? तुम अगर पहुँच गई तो बता देती यार मुझे। सर मैं आ गई। आ गई कहाँ हो? ये नहीं सर। अरे यार सर, असल में मेरी फूफू की तबीयत खराब हो गई थी तो बाबा को अर्जेंटली लाहौर जाना पड़ा और मैं पैकिंग करने में मुझे टाइम लग गया। तुम आ गई थी तो जाहिद को बता देती। सर सीन चल रहा था मैम का, और वैसे भी आपको मालूम है कि मैम जलील करने में टाइम नहीं लगाती। अच्छा चलो ठीक है, खैर तुम्हारा सेट पर वेट हो रहा है, तुम्हारा सीन है, जाओ जाओ। मैं भी जी। अच्छा सर जी, वो मेरा चेक बनवा दें प्लीज। हाँ देखो, इसके लिए तुम्हें मैडम से बात करनी। सर मेरा आज आखिरी दिन है और आपको मालूम है मैम से बात करो तो बात बात तक ही रहेगी, और अगर आप कहेंगे तो मेरा चेक मुझे मिल जाएगा। एक दफ़ा तुम बात करके देखो मैडम से, बाकी मैं देख लूँगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? चलें, शुक्रिया। ये लीजिए मैडम, आपके बनानास, आपके फ्रूस्कोस, आपके एप्पल्स और आपके फेवरेट समोसास। ये बताओ हसन जी, आप क्या कर रहे हैं? वो मेकअप रूम में मैडम। उनको भी बुलाओ ना, उनको बोलो कि मैडम आपका वेट कर रही हैं रिफ्रेशमेंट पे। ओके मैडम, मैं अभी भेजती हूँ। हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही रिफ्रेशमेंट करती हूँ, एक्चुअली हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को जानने का। प्लीज लेडीज फर्स्ट, स्टार्ट कीजिए। हमें एक्चुअली एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, काम ही इतना है हमारे सर पे, लोड है, काम है, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे को समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पा रहा। एक्चुअली मैं आपकी तरह छोटे आर्टिस्टों में बैठ के खाना पीना अवॉइड करती हूँ, तो मैंने सोचा कि हम दोनों क्यों ना अकेले बैठ के खाना। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? लीजिए ना प्लीज। मैं बड़े आर्टिस्टों के साथ ज्यादा बैठता नहीं हूँ एक्चुअली। कैसी बातें कर रहे हैं आप न्याजी साहब? आप खुद एक बड़े आर्टिस्ट हैं, आपका एक नाम है। कोई भी इंसान जब इंसान में फर्क शुरू कर देता है तो वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा होता है। आप अपनी टीम के ऊपर रोब क्यों जमाना चाहती हैं? यू नो स्क्रीन पर यही नजर आएगा, आप अकेली रह जाएंगी। आप मुझे सिखा रहे न्याजी साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाएं, मैं प्रोड्यूसर हूं। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया था कि आप
प्रोड्यूसर हैं, आपको तो मशवरा भी नहीं दिया जा सकता। एक्सक्यूज मी जी, मैं जरा चेंज कर लूं, क्योंकि यहां बैठे रहने से भी आपका ही नुकसान है मिस प्रोड्यूसर। एक्सक्यूज मी। आपके मुंह पीछे ये ड्रामा साइन कर रहा हूं, नहीं तो औरत ऊपर से प्रोड्यूसर। विश यू गुड लक जी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। हम भी ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते। बहुत ही अच्छा हुआ ये ड्रामा ना मर जाए। हजार मर्तबा मैंने तुम्हें मना किया है, कहाँ गई थी और क्यों गई थी? आप भी वो मैम, हम लोग बाहर लॉन में बैठे थे, वो क्या है ना, हम घर में बहुत बोर हो गए। तुम्हें पता है मुझे ये लड़की एक आंख नहीं भाती है, रोज तुम इसके साथ घूमती रहती हो, कुछ पता भी है इसके कैरेक्टर के बारे में? मेरी एक बात सुन लो अबीर, अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह जवाब नहीं देती इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जवाब नहीं दे सकती किसी बात का। तमीज से रहा करो मेरे साथ। ये किससे बात कर रही है मुझसे, समझती क्या है अपने आप को? क्या कर सकती हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? दो टके की लड़की हो तुम। अच्छा, मेरी औकात याद दिला रही तुम? मेरी औकात पता चलेगी ना तुम यहाँ नजर भी नहीं आओगी। ये औकात है तुम्हारी, बड़े छोटे से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। बिल्कुल, आप बड़ी हैं, आपको तमीज है मिडिल पास। अरे चुप, प्लीज आप तो खामोश हो जाओ ना, ये पाएंगे हमसे बड़ी है हम। मेहरू, बड़े होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, मेरी बात सुन लो, बड़े होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम किसी को भी बेइज्जत करो, कि तुम्हें डिग्री मिल जाए किसी को बेइज्जत करने की। निकलो मेरे घर से, फौरन से निकलो मेरे घर से। तुम्हारा घर, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे घर में खड़े रहने की। मेहरू, बीच से हट जाओ तुम, बिल्कुल बीच से हट जाओ, निकलो मेरे घर से। चलो तमीज से रहो, आप निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से, आप ही छोड़ो इसे, निकलो मेरे घर से। तुम काम बहुत अच्छा करो, लेकिन लेट आ। सर आइंदा से मैं लेट नहीं होंगी, मैं कल ही डिफेंस में शिफ्ट हो रही हूँ। पता पता, नहीं कहाँ शिफ्ट, मतलब डिफेंस में किस जगह, कहाँ? सर बदर की तरफ। पता नहीं। अच्छा दूसरी आग्रही पूछ, वेरी गुड, डिफेंस में शिफ्ट हो जाओ तो सारा काम भी आसानी से सारा का सारा हो जाया करेगा। नेक्स्ट सीन लाओ, मैडम को बुलाओ। मैडम को माही, मेरी बात सुनो अपनी, आप इस बहन को समझा दो कि सीन के टाइम पे मुझसे पर्सनल ना हुआ करे। मेरे मुंह लगने सारा सीन खराब कर देते तुम, मेरा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो आपस में, अभी मैं भी आ जाऊंगा, बैठ के बात करते हैं, कोई बात नहीं। फयाज और भट्टी को बुला लो। हां और क्या करोगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी ये मैम आपका सीन। एक रुको साहिब जी, मैं कॉल करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ आपको। ओके ओके, ये सीन है। ये बताओ जाहिद के हसन नियाजी का कितना काम रह गया हमारे पास? 12 एपिसोड तक का तो काम हो गया, मतलब थोड़ा बहुत रहता है अभी। मतलब 3-4 एपिसोड का रहता है? जी जी, 12 एपिसोड का हमने टोटल काम कर लिया। जी जी जी, चलो ठीक है, थैंक यू जाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। नाज़िर साहिबा, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मुझे हसन नियाज़ी बहुत तंग कर रहा है। डेट्स में इशू, पेमेंट में इशू, टाइमिंग में इशू, इस तरह तो मैं अपना ड्रामा नहीं कर सकती ना। बस आप इस सीरियल में से, इस ड्रामे में से इसका करेक्टर कट कर दीजिए।
नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं. मैं इतना एटीट्यूड किसी का भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप जानती हैं. चैनल को क्या प्रॉब्लम होगी जब मैं उससे बड़ा फेम आर्टिस्ट ले आऊंगी तो? ये आपका मसला तो नहीं है ना? मुझे पता है सब कुछ क्या करना है, किस तरह हैंडल करना है. आपका चेक आपको मिल जाएगा, मैंने आपका चेक बना दिया था. मुझे पता था पेमेंट का इश्यू है हर जगह. ओके ओके अल्लाह हाफिज, मैं वेट करूंगी आपके स्क्रिप्ट. अल्लाह हाफिज. अच्छा सुनो, सुना था मैडम डिफेंस शिफ्ट हो रही है. हाँ यार, ऐसे हैरत तो मुझे भी हो रही है. ये डिफेंस का किराया अफोर्ड कैसे करेगी? अफोर्ड क्या करना है, ऐसे किसी ना किसी को पटा लेगी, वही पे कर देगा. बस करो, इस तरह नहीं सोचते किसी के बारे में. तो कैसे सोचते हैं, जितने हमें पैसे मिलते हैं ना पर डे, उतने ही उसे भी मिलते हैं. तुम खुद सोचो, हम एक आम इलाके का किराया अफोर्ड नहीं करते और ये मैडम डिफेंस में जाके रहेंगी, वो भी इन पैसों में. छोड़ो इन बातों को और अपने काम पर तवज्जो दो यार. हमें कामयाब होके बड़ी स्टार बनना है और जब मंजिल पाने के लिए निकलो ना तो निगाहें अपनी मंजिल पर होनी चाहिए. दूसरों पर तवज्जो देने से ना अपने कदम सुस्त पड़ जाते हैं और हमारी मंजिल हमसे दूर भी हो जाती है. समझिए अब तुम. किधर है यार जाहिद, बुलाओ. ये तुम्हारी प्रोड्यूसर हेरोइन कहाँ है यार? जाओ जल्दी जाओ. क्या करें जनाब, प्रोड्यूसर क्या मतलब यार, प्रोड्यूसर है. मैडम देख करें. श्योर श्योर ना, चले भाई रेडी हो जाए सब. ए सेट क्लियर, सेट क्लियर. ये उठाओ पैसा, उठा कर लेकर जाओ. बूम. हाँ भाई सरफराज शॉर्ट. अच्छा जी, अब क्या है, जाहिद पकड़ो स्क्रिप्ट. सबको याद करा दी थी डायलॉग वालों. अच्छा अब सीन ये है, हसन साहब आप यहाँ बैठे होंगे. ओके. आप वहां से आएंगी मैडम, ठीक है ना, चलती हुई आएंगी और आकर ऐसे कांधे पर हाथ रखकर प्यार से कहेंगी, क्या कर रहे हो हसन, इतना सा शौक है. हट जा भाई पीछे से. ए चलो चलो सीट ले, लड़के सेट क्लियर करो, सेट क्लियर करो. चले भाई. यस रेडी. चलो भाई रेडी है सब. ओके शुरू कर रहे हैं भाई. शुरू करेंगे जी. यस कैमरा. मैडम वहीं से आइएगा. हाँ भाई रोल. सफू रोल, मुझे बता रोल हुआ. हाँ कैमरा एक्शन. सॉरी जी, सॉरी मेरी गलती है, मैं भूल गया था साइलेंट करना फोन. जनाब मिस्टर हसन नियाजी साहब, आप तो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आप कैसे भूल सकते हैं कि शूट के दौरान मोबाइल ऑफ होने चाहिए. ठीक है जी, गलती आदम से भी हो गई थी, मैंने कर दिया सर. लेकिन इतना हमारा टाइम वेस्ट होता है. लुक हूज टॉकिंग. आपको एहसास है टाइम का? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ की प्रोड्यूसर हूँ. हम एक्टर्स हैं, लोग हमें देखते हैं, असूल सबके लिए बराबर होने चाहिए मैडम. अगर आप ऐसे ही प्रोड्यूसर रहेंगी ना तो याद रखें कि सिर्फ अपनी जात के लिए प्रोड्यूसर रह जाएंगी आप. मिस्टर हसन नियाजी साहब, आप मेरी मुसलसल इंसल्ट करे जा रहे हैं. क्यों? मैं आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ मिस प्रोड्यूसर. आप होते कौन है मुझे किसी बात का एहसास दिलाने वाले? अगर आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं तो उसके आप बकायदा चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आप. प्लीज अपना सेल फोन ऑफ कीजिए और सीन कराएं. नकवी साहब सीन करें, प्लीज टेक करें. सीन शुरू करें भाई. कोई टेक नहीं होगा यहाँ पर, कोई टेक नहीं होगा नकवी साहब. और आप तो मुझे इस तरह बात करिए जैसे आपने मुझे खरीद लिया है. आपको नहीं खरीदा, तो आपके वक्त को तो खरीदा है, वो तो कम अज कम आपको मेरे मुताबिक ही गुजारना पड़ेगा मिस्टर हसन नियाजी साहब. सॉरी मैं आप जैसी नॉन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर के साथ काम कर ही नहीं सकता. ओहो, तो आपको कौन सा काम आता है, कौन सी अदाकारी करते हैं आप? अच्छी हिस्से पर आपको नखरे आते हैं, एसी के रूम में बैठते हैं, एडवांस पेमेंट मांगते हैं और आता क्या है आपको मिस्टर हसन नियाजी? मैं हूँ क्या मैं नहीं हूँ? मैं हूँ. देखिए मिस प्रोड्यूसर, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मुझे सिर्फ नखरे आते हैं या एक्टिंग भी आती है.
अगर मुझे सिर्फ नखरे आते होते ना तो अल्लाह मियां मुझे इतना नाम ना बख्शता। नकवी साहब आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके मुंह पीछे ये ड्रामा साइन कर रहा हूं, नहीं तो औरत ऊपर से प्रोड्यूसर। क्लियर? गुड लक जी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। हम भी ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते। बहुत ही अच्छा हुआ ये। नकवी साहब साहब परेशान क्यों होते हैं? क्यों? मैं हैंडल कर लूंगी, मैं राइटर से बात कर लूंगी। ये एक तो मेरी इंसल्ट की, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा पैसा लगा हुआ है और मेरी इंसल्ट करके वो स्टूपिड आर्टिस्ट चला गया। इससे बड़ा आर्टिस्ट आपको लाके दूंगी। इसने क्या काम किया है? दो सीरियल कर लिए क्या? खुद को फवाद खान समझता है? आप परेशान मत, आप परेशान मत ना साहब, रिलैक्स रहे ना साहब। ठीक है मैडम, जाहिर बात है कि आप इससे भी बड़ा आर्टिस्ट बुला सकती हैं, लेकिन मेरे जहन में एक बात ये आ रही है कि कोई भी आर्टिस्ट किसी का नेमुल बदल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में एक ही होता। वैसे आपकी मर्जी है, कर लें। प्लीज आप तो मेरा दिमाग खराब मत करें प्लीज। और तुम जाहिद, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अब उन लड़कियों को बुला के ले आओ, हम दूसरा सीन शूट करेंगे। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, हरी अप, मेकअप। सबको बताना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं इस कौम के साथ धोखा नहीं कर सकता, हमारे पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। मैम की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जिसको काम करना है वो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। इसलिए मैं इनका हक किसी को मारने नहीं दूंगा। आप लोग जल्दी से सेट पर आ जाए। लेकिन सीन तो हमारा नहीं है, हम क्यों आए? हाँ वो मैडम ने हसन न्याजी साहब को निकाल दिया। क्या? लेकिन वो मगर न्याजी साहब तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्हें कैसे निकाल सकती हैं? हाँ ये मैडम ये कहाँ देखती है कौन बड़ा है कौन छोटा। बाहर आप लोग आ जाए, जल्दी से आ जाए। अल्लाह खैर करे, हमें क्यों बुला रही है? मैं दुपट्टा लेती हूँ। ठीक है चलो जल्दी जाओ। नकवी साहब आप परेशान ना हो, इससे बड़ा आर्टिस्ट कौन होगा? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है आपकी प्रॉब्लम। ये जब मैडम ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है और हर फैसला आपका है तो हम क्या कर रहे हैं? ये भी आप ही कर रहे हैं। मुझे धोखा दे रहे हैं। धोखा मैं नहीं दे रहा मैडम, धोखा तो हम अपने काम से कर रहे हैं। आपकी हर बात मान के, हर करेक्टर और हर सीन और सिचुएशन पे कंप्रोमाइज करके। मैडम ये क्रिएटिविटी जो है ना, ये बड़ी अजीब सी चीज होती है। ये आप यूं समझ लें मैडम के खुदा की देन होती है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जिसे देता है वो करता है। हो सकता है कि लोग मुझे समझते हों, मजाक कर रहा हूं, जोकर बनाऊ। इसलिए कि दौर ही ऐसा चल रहा है, जोकर बन के अपना पेट पालता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सोचता हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ अपने आप से, बहुत शदीद बेईमानी। मैडम फिर मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। बात बताऊं मैडम, मैं इस कौम के साथ धोखा नहीं कर सकता, हमारे पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं है। या आर्ट एक सरमाया है, सरमाया जो कभी सादकैन की शक्ल में आता है
कभी चौथाई की शक्ल में आता। कभी अनवर मकसूद की शक्ल में आ जाता है, मोइन अख्तर की शक्ल में भी आता है। बहुत लोग हैं लंबरदार। और मैडम बात सिर्फ ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं चाहे जितना मजाक का निशाना बन जाऊं, हो सकता है ना आइंदा में मजाक के मूड में ये सब कुछ कर रहा हूं, इसलिए कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है। मैं मजाक में काम ले लेता हूँ, कंफ्यूजन में काम ले लेता हूँ, लेकिन मैडम सिर्फ इसलिए कि मैं क्या करूँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझे कोई करने नहीं देता, तो मैं फिर मजाक में हर चीज कर रहा होता हूँ। लेकिन मैडम बात ये है कि मैं ये आर्ट जो है, लेकिन मैडम मैं इस आर्ट के साथ मजाक नहीं कर सकता। ये तो सरमाया जो मुझे लौटाना है अगली नजर को, वरना बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे जब मैं ऊपर जाऊंगा, यही सातवान पूछेंगे, यही अशफाक अहमद पूछेंगे, यही रफीक आवर नन्ना मुझसे सवाल करेगा, यही लहरी साहब पूछेंगे, मेहदी हसन साहब भी पूछेंगे, मैं किस किस को अपना गिरेबान पकड़ पाऊंगा। और चूंकि ये तकदीर जो है ये अल्लाह की देन है ना, तो फिर अल्लाह भी गिरेबान पकड़ेगा ना मैडम। तो इसलिए मैडम मैं आपको एक मशवरा दूं, आप तो इसको सनत की तरह ले रही हैं ना, ये आपसे होगा नहीं, कोई और काम कर लीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं। मेरी दुआ है आप किसी और जगह नाम कमा के इस मुल्क का नाम रोशन करें, लेकिन क्रिएटिविटी में नहीं मैडम, क्योंकि हम तो माशरे की अक्कासी करते हैं। और इस प्ले में आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपकी अक्कासी करता हूँ। कोई बात नहीं, महरीन शरीफ हूं मैं, ओम से तो हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। जाहिद, जाहिद, अब कौन सा सीन लाइनअप क्या हुआ था, तुमने जल्दी बताओ। अच्छा काम लेना भी आता है, डायरेक्शन भी आती है मुझे, डायरेक्शन भी आती है मुझे जाहिद, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। मैं नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप अपना फन मार रही हैं। प्रोड्यूसर को कभी भी एक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मुतालिक सोचने लगता है। और जब आप डायरेक्टर भी बन गई हैं और प्रोडक्शन भी जान गई है ना, तो ये ड्रामा मरेगा नहीं बल्कि तमाशा बन जाएगा। माइंड ठीक कह रही, इंसान को एक वक्त में एक काम करना चाहिए, जो बेहतर समझता है वही करे, पहचान बनाने में आसानी रहती है। चलो किंजा, मैम की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जिसको काम करना है वो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। चलो मैडम, इसमें फहरिस्त है और रसीद है, और कैश मेरे पास है। इन लड़कियों का हक है, क्योंकि इन्होंने काम किया है, मैं उन्हें हक जरूर दूंगा, क्योंकि हमने हर जगह एक साथ टीम वर्क के साथ काम किया है।
इसलिए मैं इनका हक किसी को मारने नहीं दूंगा। तकदीर जो है अल्लाह की तकदीर है, तो फिर अल्लाह भी किरबान पकड़ेगा। तो इसलिए मैडम मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप तो इसको सनत की तरह ले रहे हैं, ये आपसे होगा नहीं, कोई और काम कर लीजिए। मैं इनकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जिसको काम करना है वो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। इंसान को एक वक्त में काम करना चाहिए, जो बेहतर समझता है वही करे। पहचान बनाने में आसानी रहती है। उस सेट पर जो भी हो रहा था मैं जानता हूँ, वो आपके मिजाज के भी बरखिलाफ था। हसन नियाजी साहब को मैडम ने खुद निकाला था और नकवी साहब खुद छोड़ के गए थे, तुम्हें दादी अम्मा बनने की क्या जरूरत थी? नकवी साहब हमारे सीनियर इंसान है, उनसे तो हमें सीखने को कितना कुछ मिला है। ड्रामा ना मर जाए, नकवी साहब आप माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं चाहता हूं कि ये ड्रामा आप डायरेक्ट करें। बिल्कुल भाई, आपको तो पता ही है कि मैं महरीन के प्रोजेक्ट में उसके साथ काम कर रहा था, मैंने क्यों छोड़ा? खुदा गवाह है सिर्फ आपकी वजह से। जिस किस्म की बातें वो आपके लिए करती थी, हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं आपके सामने बयान करूं। छोड़े नकवी साहब, उस सेट पर जो भी हो रहा था मैं जानता हूँ, वो आपके मिजाज के भी बरखिलाफ, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह आपको प्रोडक्शन का मियार नजर आए। भाई मैं तो खुद जो है ना मियारी प्रोडक्शन चाह रहा था कि कोई ऐसे बंदे मुझे मिल जाए, लेकिन माफ कीजिएगा बुरा नहीं मानिएगा हसन नियाजी साहब, बातें जब करते हैं तो कुछ और होते हैं, जब शूट पे जाते हैं तो मुख्तलिफ हो जाते हैं। आपका तजर्बा इस बार मुख्तलिफ। हाँ, अपने प्रोजेक्ट में मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। क्या क्या आप और एक्टिंग नहीं करेंगे? क्या चाह रहे हैं आप? मतलब इंडिया से मुझे धड़ाधड़ फोन आते हैं, राम गोपाल वर्मा दोस्त मेरा, उसने मुझे फोन किया, हसन नियाजी हसन नियाजी हसन नियाजी हसन नियाजी, मालाएं जपते हैं आपकी, मैं खामोश रहता हूँ। अगर अपने प्रोजेक्ट में मैंने एक्टिंग कर ली ना, तो नवीन शरीफ वाला सीन। क्या सोच है आपकी? वाह वाह वाह, मैं तो आशिक हो गया। ये होता है मर्द और औरत में फर्क। मर्द प्रोड्यूसर और औरत प्रोड्यूसर का फर्क। मर्द प्रोड्यूसर और औरत प्रोड्यूसर में फर्क। बिल्कुल, प्रोड्यूसर तो क्या दोनों ही होते हैं आम दुनिया में, लेकिन कमाल है भाई, वाह 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 वाह। चलें, जैसा आपने जैसा सोचा अच्छा ही सोचा। बाकी ये कि वन लाइनर आप पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट का, जिसको भी आप मुनासिब समझें आप कास्ट करें। सही है। हाँ, एक सजेशन दूंगा, वो महरीन शरीफ के प्रोजेक्ट में जो लड़कियां थीं परफॉर्मर्स, हाँ वो मेहनती बच्चियां हैं। सजेशन है, डिक्टेशन नहीं, यू नो। अदरवाइज आप जो भी रिक्वायरमेंट मुझसे कहेंगे मैं वो प्रोवाइड करने का पाबंद हूँ। देखिए, जिन लड़कियों की आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत मेहनती लड़कियां हैं और वो भी आप जैसे ही प्रोड्यूसर की राह देख रही थी। लेकिन मैं एक बात आपसे दरखास्त करता हूं कि टीम मेरी होगी, यानी कि एडी मेरा, कोऑर्डिनेटर मेरा और सब कुछ। मैं कमीशन वमीशन नहीं लेता, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। जैसे आपकी मर्जी, बस ये मैं चाह रहा था। वैसे तो मुझे समझाती रहती थी बड़ा, शर्ट पे लड़ना नहीं, खुद क्या करके आई, आज सब खत्म करके आ गई। हसन नियाजी साहब को मैडम ने खुद निकाला था और नकवी साहब खुद छोड़ के गए थे, तुम्हें दादी अम्मा बनने की क्या जरूरत थी? नकवी साहब हमारे सीनियर इंसान है, उनसे तो हमें सीखने को कितना कुछ मिला है, अब जब वो सेट छोड़कर चले गए तो हमारा भला वहाँ क्या काम, हम क्या करती वहाँ?
अरे यही तो मौका था महरीन मैडम के करीब जाने का. टाइम से काम भी मिलता रहता और चेक भी. रहने दो, तुम्हें पूरी तरह से अंदाजा है महरीन मैडम का. अगर वो हसन न्याजी साहब को निकाल सकती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं उनके सामने. और कामयाबी ना खुशामद या मौका परस्ती देखकर नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है. अब बैठ ही रहो आराम से घर पर, सही है. एक प्रोड्यूसर मिली थी, वो भी तुमने हाथ से गवा दी. काम ना खुदा की तरफ से मिलता है, इंसान तो सिर्फ वसीला बनता है. वो तो अलग बात है ना, और हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है. वरना हमने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो टैलेंट होने के बावजूद घर पे बैठे हैं. खैर मुझे अपने फैसले पर ना कोई पछतावा नहीं है. मैंने अच्छा काम किया और अल्लाह ताला है ना वो कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा. देखते हैं कौन सा सबब बनता है. हाँ पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इमें भी एक ही होगी जरूरत नहीं है. मैं शैम्पू करके आती हूँ ताकि आप मेरे जुल्फों के बारे में भी कुछ शायरी कर सकें. वो तो आप पहले से इतनी अच्छी लग रही हैं. आप बड़ी बाज़ौफ़ खातून हैं आपकी बेगम. इसे तुमने एक बात देखी है, हसन न्याजी साहब कितने अच्छे हैं और कितने बाएखलाक हैं, हालांकि महरीन मैडम से ज़्यादा सीनियर हैं. तुम्हारा घर काम के लिए कैसा रहेगा? क्यों? अरे यार शूट के लिए. ओ मेरे खुदा, अरे मेरे अल्लाह, जितनी हसीन है आप, इतनी हसीन बातें भी करती है ना. नफी साहब. थैंक यू नफी साहब, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है और इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी. अल्लाह का पक्का वादा ना? जी पक्का. जी मैं ड्रामों में काम करता हूँ. बिल्कुल, बड़ा अच्छा सा नाम आपका, हसन. जी हसन न्याजी मेरा नाम है.